हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेनियरबाय का केवाईसी कैसे करें, कैसे होता है, और साथ में यहाँ पे कुछ सवाल है, इसके भी जवाब मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनियरबाय केवाईसी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अपना पेनियरबाय ऐप में। दोस्तों, अगर आप भी नए हैं, अभी अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है पेनियरबाय में, तो आपको कुछ ऐसा ही शो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब कुछ ऐसा ही होगा। और साथ में जो ये हमारा बैलेंस इंक्वायरी आधार विड्रो है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा शो होगा APS स्टेटस, और साथ में लिखा है यू APS सर्विस नॉट एक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू RM। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू RM। तो अभी आप न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा कि RM क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ये भी देख लेते हैं कि ये जो बैलेंस इंक्वायरी है ये भी काम करता है या नहीं। तो यहाँ भी हमको सेम वही चीज़ मिलता है, और मनी ट्रांसफ़र यहाँ भी हमको KYC मांग रहा है। तो दोस्तों, और बाकी चीज़ों में भी देख लेते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज यहाँ नहीं मांगता है, सिर्फ आपको इन तीन चीज़ों में ही KYC मांगता है, और जो कि आपको KYC करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पेनियरबाय इन्हीं चीज़ों को चलाने के लिए लेते हैं, आधार विड्रो और बैलेंस इंक्वायरी मनी ट्रांसफ़र के लिए। तो दोस्तों, जो ये हमारा लिख रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू RM, ये आपको कैसे पता लगेगा और आपको किसे KYC करवाना है, KYC कैसे होता है, इसके बारे में चलिए बताता हूँ। तो आपको आ जाना है यहाँ पे थ्री डॉट पे आने के बाद दोस्तों, आपको आ जाना है यहाँ नीचे, आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर दोस्तों आपने अभी 2-3 दिन पहले ही ID लिया है तो शायद आप में शो ना हो, लेकिन 3-4 दिन के बाद शो होने लगेगा, ऐसा ज़रूर शो होगा आप में। तो यहाँ पे जैसे ही आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा और पेनियरबाय कस्टमर केयर, और साथ में आपको सेल्स मैनेजर आता है। दोस्तों, जो वो वहाँ पे RM लिख रहा था वो सेल्स मैनेजर को ही बोलते हैं, तो आप चाहे तो इससे भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपका KYC करता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसका भी नंबर आपको नीचे शो होने लगेगा। दोस्तों, हर एक एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होता है, तो आपके वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका नंबर दूसरा होगा, तो आपको उससे बात करना होता है और वही आपका KYC करता है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि KYC जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है, और उससे बात करने के बाद ही आपका KYC होगा। उसके बाद दोस्तों, हम पॉइंट को नोटिस करते हैं, जो कि है हमारा सबसे पहले है KYC कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि KYC आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपका KYC आकर करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको यहाँ सपोर्ट बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो दोस्तों, KYC आपका डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। उसके बाद दोस्तों, सवाल है KYC ऑनलाइन होता है? तो दोस्तों, KYC ऑनलाइन नहीं होता है, क्योंकि आपको KYC के समय फिंगरप्रिंट और आपका एक लाइव फ़ोटो लगता है, तो जिसके कारण ऑनलाइन नहीं हो सकता है ये KYC। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही आपके पास आकर KYC कर देगा, तो ऑनलाइन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों, सवाल है खुद से KYC कैसे करें। तो दोस्तों, खुद से KYC नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम खुद से KYC करें। तो KYC के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही आपका KYC करता है। उसके बाद दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल है, यही पूछा जाता है कि KYC फ्री में होता है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, KYC फ्री में नहीं होता है, इसके लिए आपको चार्ज देना होता है, जो कि आपको यहाँ पे आपको अपडेट पैकेज में आपको शो होने हो जाएगा, जो भी आपका पैकेज है। दोस्तों, ये वाला पैकेज आपको लेना होता है, जिसमें आपको मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस APS सर्विस मिलता है। तो इसको चालू करने के लिए आपको 1000 रुपये देना होता है, तो वो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर जो KYC करने के लिए आएगा
वही आपसे 1,000 रुपये ले लेगा। तो KYC जो है होता है वो फ्री में नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा सवाल है, वो है न्यू हूँ KYC कैसे करूँ। तो दोस्तों अगर आप न्यू हैं और आप में अभी यहाँ सपोर्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर शो नहीं हो रहा है, तो आप 1-2-3 दिन और वेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर शो होने लगेगा। अगर फिर भी नहीं शो होता है तो आप अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना KYC आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि पूरे डिटेल में KYC कैसे करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे Paynearby से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।